चर्चा में। सबसे पहले बात नेटो की गद्दारी की। नेटो ने जेलेंस्की को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। रिपोर्ट छप रही है कि 24 अगस्त यानी यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के पहले नेटो ने कीव पर कब्जे का प्लान बनाया है और नेटो ये मानकर चल रहा है कि आप जेलेंस्की युद्ध हार चुके हैं और रूस को रोकने के लिए यूक्रेन पर नेटो का राज स्थापित करना जरूरी हो गया है। फरवरी 2022 युद्ध की शुरुआत। 500 से ज्यादा दिन, 70 से ज्यादा हफ्ते, करीब 18 महीने और 24 अगस्त 2023 युद्ध का अंत। ये तारीख डायरी में नोट कर लीजिए क्योंकि इस दिन यूक्रेन में अब की बार फ्रीडम डे यानी आजादी का जश्न नहीं बल्कि नेटो की गुलामी के दस्तावेज पर राष्ट्रपति जेलेंस्की दस्तखत कर सकते हैं। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि 24 अगस्त का सूरज यूक्रेन की आजादी के अस्त होने का वक्त भी हो सकता है। और उससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये है कि कीव पर कब्जा रूस नहीं नेटो करेगा, वही नेटो जिसके दिए हथियार के दम पर जेलेंस्की युद्ध में अब तक टिके हैं। वही नेटो जिसने जेलेंस्की को ब्रेडली दिया, पैट्रियट सिस्टम दिया, चैलेंजर टैंक दिया। वही नेटो अब जेलेंस्की को सत्ता से उखाड़कर राजधानी कीव में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। सवाल है, नेटो क्यों चाहता है कीव पर कब्जा कर लेना? नेटो क्यों बन गया है जेलेंस्की की जान का दुश्मन? यूक्रेन पर राज कायम कर नेटो को क्या मिलेगा? क्या नेटो चाहता है रूस से परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष वॉर? इन सारे सवालों का जवाब आपको डिटेल में दिखाएंगे क्योंकि नेटो के इस सीक्रेट प्लान लीक के बाद मॉस्को में खलबली मची हुई है। रूस की सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। महायुद्ध में जंग के मैदान का भूगोल ही बदल गया है। पहले उन कारणों को समझना बहुत जरूरी है कि नेटो के ऊपर कब्जा क्यों चाहता है। रूस ने करीब करीब पूरे यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया है। यूक्रेन के शहरों का नाम लेते जाइए और साथ में वो मलबा देखिए जिसे पुतिन के बारूद ने तैयार किया है। सेवरोडोनेस्क, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, मारियोपोल और मेलितोपोल, इस वक्त यूक्रेन की 18% धरती पुतिन के कब्जे में है। हर दिन फ्रंट से यूक्रेन के सैनिकों के मारे जाने की खबर आती है। ये सैनिक 1.5 साल की जंग में अब थकते नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की के पास हथियारों की भारी किल्लत है। यूक्रेन की सुरक्षा की दीवार एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ चुकी हैं। रूस की मिसाइलें और ड्रोन दोनों की जुगलबंदी ने पुतिन को कम बैक करने में बहुत मदद कर रहे हैं। जेलेंस्की लाख कहे कि वो अनंत काल तक जंग लड़ सकते हैं, ये जेलेंस्की की बहुत बड़ी
भूल है। ज़ेलेंस्की सत्य से परिचित है कि जीत वाली ये जंग अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। ज़ेलेंस्की ये जानते हुए भी लड़ेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की की इस हार में जीत रूस का नहीं नेटो का हो सकता है। नेटो ने वो प्लान तैयार किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ज़ेलेंस्की के चारों ओर भ्रमजाल फैलाकर नेटो ने पहले फंसाया और अब देश की बागडोर छीन रहा है। नेटो का वो प्लान देखिए जिसके लीक होने के बाद ज़ेलेंस्की खौफ में है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को हारता देख नेटो ने कीव विक्ट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका को जैसे ही एहसास हुआ कि कीव पर किसी भी वक्त मॉस्को का कब्जा हो सकता है, तो उसने मदद देने के बजाय उस पर कब्जा करने का प्लान बना लिया। नेटो के इस सीक्रेट रिपोर्ट में ज़ेलेंस्की कहां खड़े हैं समझिए। अमेरिका ने यूक्रेन को पोलैंड, हंगरी और रोमानिया का हिस्सा बनाने की चाल चली है। नेटो ने इसके लिए पोलैंड फ्रंट को एक्टिव कर दिया है। अमेरिका के इशारे पर पोलैंड ने यूक्रेन से खुद को खतरा बताना शुरू कर दिया है। पोलैंड पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड की सेना किसी भी वक्त यूक्रेन में घुस सकती है। नेटो के 360,000 जवान पूर्वी यूरोप पहुंच चुके हैं। इन्हें यूक्रेन पर कब्जे का टास्क सौंपा गया है। नेटो के सीक्रेट प्लान को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोगु ने दुनिया को बता दिया। नेटो ने पूर्वी यूरोप में 360,000 सैनिक भेज दिए हैं। अमेरिका के शह पर पोलैंड पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करने वाला है। अगर नेटो ने रूस पर हमले की हिमाकत दिखाई तो रूस नेटो को तबाह कर देगा। अगर रूस पर हमला हुआ तो उसी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और रूस परमाणु हथियारों से हमला कर नेटो देशों का नामो निशान मिटा देगा। रूस की ये बिल्कुल नई और ताजा धमकी है, लेकिन जरा याद कीजिए पुतिन और इनके बहुत करीबी दिमित्री मेदवेदेव की परमाणु धमकियों के असर को। क्या हुआ? ना नेटो ने ज़ेलेंस्की को अब तक हथियार देना रोका, ना ही अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक संरक्षण देना बंद किया। नेटो का प्लान उसकी डिटेल में आपको जरूर देखनी चाहिए। ज़ेलेंस्की जिस नेटो के नाम पर इतराते हैं, वो उन्हीं से उनका मुल्क छीन लेने पर आमादा है। कहानी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, धोखा, फरेब और विश्वासघात से लैस। पश्चिमी मीडिया ने रिपोर्ट छापी है कि पोलैंड अब तक पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया होता, लेकिन बेलारूस में मौजूद वैगनर की वजह से वो रुका पड़ा है। पोलैंड को डर है कि वैगनर लड़ाके पोलैंड में घुसकर तबाही मचाना शुरू कर सकते हैं, इसलिए पहले पोलैंड वैगनर के खतरे को खत्म करना चाहता है। इसके लिए पोलैंड या बेलारूस पर हमले करना शुरू कर दिया है। पोलैंड के हमले में बेलारूस की ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। पोलैंड को लड़ाने के पीछे नेटो का निहित स्वार्थ है। नेटो बेलारूस को फंसाना चाहता है। नेटो की इस रणनीति को समझ लीजिए, आप नेटो का यूक्रेन में हित समझ जाएंगे। पोलैंड हमला कर न सिर्फ वैगनर को डराना चाहता है, बल्कि बेलारूस को फंसाने की भी कोशिश कर रहा है। ऊपर से यह खबर आ रही है कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वैगनर लड़ाकों को पैसा देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में वैगनर फाइटर रूस लौट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पोलैंड को यूक्रेन पर कब्जा करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। पोलैंड इसी मौके के इंतजार में है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा ने ऐलान किया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक सफल नहीं होगा। अमेरिका ने कहा है कि अब यूक्रेन जंग नहीं जीत सकता और यूक्रेन के कमांडर कॉन्स्टेंटिन प्रोशिंस्की ने यह भी कह दिया है कि यूक्रेन की हार तय हो चुकी है। प्रोशिंस्की ने यूक्रेन के भीतर का सच खोलकर उजागर कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन अब जंग जीत पाएगा। यूक्रेन के हालात बहुत खराब है। रूस को हराना असंभव है। यूक्रेन के लिए 1991 वाला बॉर्डर भी हासिल करना नामुमकिन है। हमारे पास ना तो जवान है, ना ही जंग लड़ने के लिए हथियार। ऐसे में जीत की बात करना अपने लोगों को धोखा देना होगा।
नेटो के सामने यूक्रेन की क्लियर कट तस्वीर है कि अब उसकी हार तय है। उसके पहले नेटो चाहता है कि वो कीव पर काबिज हो जाए, मतलब जो फाइट अब तक लुक छिप कर हो रही थी वो आमने सामने शुरू हो जाए। नेटो की इस कसम को पूरा करने के लिए कमांडरों ने एक प्लान बनाया है। यूक्रेन के हिस्सों को पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के बीच बांटने का प्लान। अगर ऐसा हुआ तो नेटो की पहुंच रूस के बिल्कुल करीब हो जाएगी। नेटो रूस को चारों तरफ से घेर लेगा। सेलेंस्की के सामने इधर कुआं उधर खाई है। एक तरफ रूस है और दूसरी ओर आस्तीन में धोखे का सांप छुपा है नेटो। सेलेंस्की मोहरा बन गए हैं। गोली दक्षिण से चले या उत्तर से मारे सेलेंस्की जाएगी, देश उनका गुलाम होगा। रूस की सीमा पर नेटो की मौजूदगी का मतलब क्षेत्र का भूगोल और भविष्य दोनों का बदलना होगा। नेटो दशकों से यूक्रेन को खुद में शामिल करने के लिए बेकल रहा है। पुतिन का पर कतरने के लिए क्यू पर कब्जा एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन सवाल तो यह है कि ज़ेलेंस्की क्या नेटो का प्लान जानने के बाद भी एक्शन में नहीं आएंगे। ज़ेलेंस्की एक्शन में आने लायक रहेंगे तब आएंगे, लेकिन इसकी डिटेल आगे। नेटो की चालाकियों पर पुतिन का एक्शन फिलहाल देख लीजिए। नेटो से खतरा बढ़ा तो पुतिन ने हंगरी और रोमानिया के पड़ोसी देश सर्बिया को साथ मिला लिया। सर्बिया के राष्ट्रपति से पुतिन की मुलाकात प्रस्तावित है। राष्ट्रपति पुतिन अक्टूबर में चीन जाने वाले हैं। बीजिंग में ही रूस और सर्बिया के राष्ट्रपति के बीच मीटिंग होगी। इस मुलाकात में नेटो के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो सकता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए आर्मी का इस्तेमाल करने वाला सिर्फ 31 देशों का सैनिक संगठन है नेटो। शीत युद्ध के बाद वो देश जो रूस के खिलाफ थे नेटो में शामिल हो गए, क्योंकि जब रूस सताए नेटो एक साथ मिलकर बच जाए। यूक्रेन को इस नेटो की सदस्यता हासिल नहीं है, ना ही उसे निकट भविष्य में नेटो की सदस्यता मिलने की कोई संभावना है, लेकिन नेटो संगठन यूक्रेन का फुल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रूस की सीमा के करीब वो खुद आ बैठेगा। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि रूस के रक्षा मंत्रालय की आशंका है ये। नेटो ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उसके पास 24 अगस्त के पहले क्यू पर कब्जे का प्लान है जो लीक हो गया है। अब सवाल है कि यूक्रेन तेरे कितने दुश्मन। जब पूरा यूक्रेन तबाह ही हो चुका होगा तो फिर किसका यूक्रेन? ना ज़ेलेंस्की का, ना पुतिन का, ना बाइडेन का। सवाल है फिर किसका होगा यूक्रेन? यूक्रेन इस वक्त अखाड़ा बना हुआ है नेटो और रूस के जोर आजमाइश का। जमीन पर युद्ध यूक्रेन की सेना लड़ रही है जो मारी जा रही है, और जब सेना ही नहीं बचेगी तो नेटो किसे हथियार सप्लाई करेगा जो रूस के खिलाफ आग उगलेंगे। लिहाजा नेटो ने बैकग्राउंड तैयार कर लिया है कि ऊपर कब्जा और रूस से सीधी जंग, मतलब वो जंग जिसमें पूरा यूरोप जल सकता है, लंदन जल सकता है, पेरिस जल सकता है, बर्लिन में आग लग सकती है, वाशिंगटन डीसी तक तबाह हो सकता है। क्योंकि नेटो के कई कब्जे के बाद सिर्फ युद्ध की गति नहीं बदलेगी, युद्ध का आकार और प्रकार दोनों बदल जाएंगे। नेटो की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में रूस परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की तरह पुतिन के पास भी हथियारों की कमी है, जिसके कारण 70 साल बूढ़े टैंक पुतिन को मैदान में उतारना पड़ रहा है। कीव पर नेटो के कब्जे की स्थिति में जब पुतिन परमाणु बम फोड़ेंगे तो सिर्फ यूक्रेन टारगेट पर नहीं होगा। जाहिर है इस बीच पुतिन के दुश्मन पुतिन के परमाणु बम के गिरने का इंतजार नहीं करेंगे, और इस बीच वो भी रूस को परमाणु बम का निशाना बनाएंगे। रूस के करीब चारों ओर नेटो के दोस्त बैठे हैं परमाणु बम वाली मिसाइलों से लैस।
एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी। नेटो ने रूस को पहले से ही घेर रखा है। यूक्रेन को हार की कगार पर खड़ा देखकर नेटो सत्ता कभी भी किसी भी वक्त अपने हाथ में ले सकता है। हालांकि नेटो क्या प्लान लीक होने के बावजूद इस पर आगे बढ़ेगा, ये कहना मुश्किल है।